कैडर है वो किसको समर्थन कर रहा वहां चुनाव है? लड़ रहा, हमारा अभिषेक सिंह वहां प्रत्याशी है, चुनाव लड़ रहा है। तो गठबंधन को कहीं से समर्थन नहीं, कहीं किसी को नहीं। हमारे जहाँ प्रत्याशी लड़ रहे हैं वहाँ किसी को समर्थन नहीं। छह चरण के चुनाव समाप्त हो गया, अब आखिरी चरण में बिल्कुल क्या लगता है कि किसकी सरकार आ रही है, खासकर यूपी में कितनी सीटें ला रही है बीजेपी और गठबंधन? देखिए, देश की बात तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि पूर्वांचल में भारतीय समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को 125 सीट जितवाने में 5000, 10000, 20000, 25000 की भूमिका अदा की थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वीकार किए। हम हटे हैं भाजपा से तो निश्चित है कि पूर्वांचल से भाजपा का पतन होने जा रहा है। आप देख लीजिएगा, 23 तारीख को गिनती होगी, चाहे चंदौली हो, गाजीपुर हो, बलिया हो, मऊ हो, आजमगढ़ हो, लालगंज हो, जौनपुर हो, मछलीसर हो, महाराजगंज हो, कुशीनगर हो, देवरिया हो, गोरखपुर हो, जो पूर्वांचल की सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी यहाँ 3 सीट जीत ले, यही बहुत है। आपने चंदौली में जनसभा किया, बलिया क्या होने वाला है क्योंकि अब तो एकदम आपने पूरा बिगुल फूक के एकदम अलग थलग कर लिया आपने आपको, अब क्या राजभर का स्टैंड तो एकदम निराला है। हम तो 27% आरक्षण में बंटवारे को लेकर तैयार हैं, हम उत्तर प्रदेश में शराबबंदी को लेकर के तैयारी में हैं, हम उत्तर प्रदेश में जो गरीबों के बच्चे 1,70,00,000 प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं उनको बेहतर शिक्षा कैसे मिले, और आने वाले 2022 के चुनाव में हर जाति के बेटा को 6-6 महीना हम मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में है। भाजपा पे बड़ा हमला करते हुए कहा है कि उसकी नैया डूब रही है, आरएसएस के साथ छोड़ दिया है मोदी का। अब देखिए, ये मायावती जी का बयान है। हम इस चुनाव में देख रहे हैं कि लोग असली बात से भटक गए हैं। विकास के सवाल पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है, शिक्षा के सवाल पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है, नौजवानों को रोजगार कैसे मिले उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। गरीब जो 1,59,000 प्राथमिक विद्यालय है, 1,70,00,000 बच्चे पढ़ते हैं, उनको अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कैसे हो, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। एक दूसरे के ऊपर ही खाली हमलावर हैं लोग, वो उनकी शिकायत यही कर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी कहती हैं कांग्रेस वोट कटवा की भूमिका में है, तो क्या ओम प्रकाश राजभर ये बताना चाह रहे हैं कि हम सिर्फ वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, हम भारतीय समाज पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए, महाराजा सुहेलदेव जी की विचारधारा को जिंदा रखने के लिए हम चुनाव मैदान में हैं। ओम प्रकाश जी, 17 के चुनाव के पहले की बात करें तो सुभाषपा की क्या स्थिति रही है? देखिए, 17 के चुनाव के पहले हमारा किसी से गठबंधन नहीं था, अकेले हम चुनाव लड़ते थे, वो कुछ दौर और था। आप अगर देखें तो 14 के पहले भारतीय जनता पार्टी का क्या अस्तित्व था, आप उसको उठा कर देख लीजिए।